मुरादाबाद सेक्टर 15A नया मुरादाबाद समाजवादी पार्टी आवास योजना में अवैध वसूली करने से रोकने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। क्या नाम है? ईरम। आज यहाँ कैसे आई हैं आप? अपनी सोसाइटी के बारे में यहाँ क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ी चली हुई है, वहाँ इस बारे में सर से मिले हैं, कप्तान सर से। यहाँ पे कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, हमें आगे बढ़ाने को कहा इस कार्रवाई को। इसके अलावा आपने और कहीं दिया आपने? नहीं, हाँ दिया था सर, मंजूरा थाना हमने जो शिकायत उनकी बोली थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर वहाँ पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सर आजकल गुंडागर्दी बहुत चली हुई है और मैं तो अपने लड़के को बाहर से लाई पढ़ाने के लिए और मैं रेंट पर रहती हूँ सर, तो वहाँ पे जो लोग गुंडागर्दी करते हैं घर के सामने आ जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। सर जब आओ आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं सर से मिलने आया था अपनी समस्या बताने। क्या मामला था? मामला ये है, वहाँ पे नए मुरादाबाद में सेक्टर 16 में जो समाजवादी के भवन है उसमें करीब जैसे लोग मतलब मीडियम लोगों के लिए तो वहाँ मिले, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग रात को सारे गेट बंद कर देते हैं शाम के समय, और उसके बाद 50-60 बैठ जाते हैं, जो लोग 500 रुपये का महीना देंगे उन्हें वो पाते हैं, उनको अनावश्यक रूप से उन्हें दुख करते हैं। इसके साथ ये है, ये वो है, अभी हमसे भी बोले 500 रुपये लाओ, हमने कह दिया भाई अगर सरकारी कोई भी आदेश है किसी भी चीज़ का, MDA का है या किसी का है, तो हम 500 नहीं 600 भी देंगे जो भी उनका वो है, लेकिन हम गुंडागर्दी का कोई भी गुंडागर्दी अगर आपकी कोई इसमें वो है तो बताओ, अगर आदेश है तो हम उसे देंगे। इस संबंध में DC साहब से भी मिले, DC साहब ने कहा कि हमने कोई किसी तरह का आदेश नहीं दिया है ना कुछ, ही अपना गुंडा उसमें कर रहा है, और आज जो कप्तान साहब बहुत बढ़िया हैं उनसे जाकर बात करो, उन्हें अपनी समस्या बताओ। हमारा कहना यह है सिर्फ कि अगर कोई भी पैसा जायज है सरकार को, हम सरकार को देंगे, MDA को देंगे, टेस्ट देंगे, अथॉरिटी को देंगे। ये जो गुंडागर्दी गर्दी के बल पे हमसे वसूले रहे हैं, 8 लोग आते हैं और उसके बाद हमारे दरवाजों पर घुसते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, अनावश्यक रूप से दिक्कत करते हैं, तो इस संबंध में हमने सर को बताया, सर ने कहा है इसमें कार्रवाई करो। साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? साहब ने कहा कि आप ऐसे कर लो, कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। इसके अलावा आपने और कहीं कुछ वो दिया आपने एप्लीकेशन? कल DC साहब को दिया था मैंने, 27 तारीख पे जमा कर रहे थे 500, हमने उनसे पूछा अगर कोई शुल्क है 500 रुपये तो हम 500 रुपये आपके जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं है, अनावश्यक और MDA है तो कोई भी सोसाइटी दे नहीं दी है, क्योंकि MDA की 50 कॉलोनी है, कोई सोसाइटी के रूप में हमने कभी को नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर उसके ऊपर कल तक ऊपर क्या है। सुशील क्या क्या किस मसले में आते आज? मसले में ये आए थे, एक सेक्टर 15 नया मुरादाबाद है, ये है समाजवादी वाले फ्लैट, इसमें क्या है कुछ पहले से लोग जो हैं वहाँ वे गुंडे टाइप हैं, उन्होंने पार्किंग में तो अपना गार्डन बना लिया है, जो पार्किंग है उसके अंदर गार्डन बना लिया है, जो कोई नया आदमी आता है उसे 50 से 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, उसमें जब रहोगे तो पैसे दो, नहीं करते तो कहते हैं हम मारेंगे, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आज अपने SSP साहब से क्या मिले? हाँ कप्तान साहब से मिले। क्या बोले वो? कप्तान साहब ने कहा है हम इसकी पूरी वो करेंगे, इनको हटाएंगे। आप इसके अलावा आपने किसी और को दिया? अभी नहीं दिया, पहले इनको कप्तान साहब से मिले बस। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।